चलो बच्चों आ गया भाई। वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी से वेलकम टू अन एकेडमी, वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। आप मैं देख रहे हैं अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्रॉपर वीडियो और मैसेज आपको मिलता रहे, इसके लिए अन एकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या क्या फायदे जरा देखिए जान से यहाँ पर। तो क्या क्या फायदे हैं, एक तो आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। एक तो आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बताया जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाएंगे, और अगला है अनलिमिटेड एक्सेस। अगला क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस में क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो को वहां पर पढ़ सकते कितने दिन में। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है कितना, वीरू कोड का यूज करने के बाद, वीरू कोड कितना, 25,200। क्लियर। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, वीरू कोड का यूज करने के बाद 34,650, और 24 मंथ का है वीरू कोड के यूज करने के बाद कितना, 50,400। 50,400 ये वीरू कोड का यूज करने के बाद ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है भाई सबको? सबको बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर सबको बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, जल्दी से बताइए ध्यान से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कि वीरू कोड के यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। वीरू कोड के यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। वीरू कोड के यूज करने से एनसीईआरटी रेस मिलेगी आपको, एक तो आपको एनसीईआरटी रेस मिलेगी, कोटा क्वेश्चन बैंक विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, एनसीईआरटी कॉर्नर और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हैंड रिटन नोट्स। आप वीरू कोड के यूज करने से आप अनलिमिटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, अनलिमिटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? 8 से 9:30, 8 से 9:30 यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 से 9:30, यहाँ पर 8 से 9:30 आपको इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी सॉलिड स्टेट खत्म हो गया है, कल कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे, 2 से 3 और 5 से 6 क्लासेस टाइमिंग। क्लियर। ये आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है, जरा देखे ध्यान से यहाँ पर, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन जरा देखे ध्यान से यहाँ पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप यहां पर, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर, टेस्ट की एनालिसिस, ऑल बेनिफिट ऑफ क्या हो जाता है, प्लस मिल जाता है, ऑल बेनिफिट ऑफ क्या मिल जाता है, प्लस टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम अप्रोच, सब चीजें अवेलेबल मिल जाती है। क्लियर है? चलिए जल्दी से देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। यह है 6 मंथ का यहाँ पर कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है वीरू कोड के यूज करने के बाद, वीरू कोड के 34,200, वीरू कोड के यूज करने के बाद 58,500, और वीरू कोड के यूज करने के बाद यहाँ पर 90,000, कितना हो जाएगा, 90,000। क्लियर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन आज प्रिपरेशन करेंगे भाई, यहाँ पर एल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे भाई। जल्दी से देखिए जरा ध्यान से, सब लोग रेडी हो जाइए भाई, सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, वीडियो को शेयर कीजिए, सारे बच्चे आ जाएं भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे आ जाएं भाई यहाँ पर, जल्दी से देखो ध्यान से, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे आ जाएं यहाँ पर, सब लोग शेयर करो, सब लोग शेयर करो, सारे बच्चे आ जाएं भाई यहाँ पर। चलिए आइए एल्कीन की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए। अब एल्कीन की प्रिपरेशन को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अब काफी टाइम हो चुका है, आगे बढ़ा दिया जाए, स्टार्ट किया जाए।
पहला जरा देखो, एल्कीन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अनसेचुरेटेड, भाई जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अनसेचुरेटेड जो होते हैं भाई, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना होता है? अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से। एक होता है एल्कीन CnH2n, और एक क्या होता है CnH2n-2। ये क्या है? एल्कीन है, और ये क्या है? एल्काइन है। ये क्या है? एल्काइन। तो आज हम लोग एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात समझ में आ गई? एल्काइन है, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? अच्छा जल्दी से बताओ भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सभी बच्चे आ गए भाई ध्यान से? सभी बच्चे आ गए क्या ध्यान से? जल्दी बताओ ध्यान से, यहाँ पर जल्दी जल्दी बताइए ध्यान। सभी बच्चे आ गए? देखो ध्यान से, यहाँ पर जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर एल्कीन, आज हम लोग एल्कीन के बारे में स्टार्ट करेंगे भाई, एल्कीन के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों को वेट कर लिया है, बच्चों को वेट कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि एल्कीन की जो प्रिपरेशन है, एल्कीन की प्रिपरेशन जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए कुछ बातें नोट कर लीजिए। पहला पहला ये है एल्कीन, एल्कीन की जो प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला है कि फर्स्ट थ्री मेंबर मतलब C2H4 होता है, C3H6 होता है, C4H8 होता है। ये क्या होता है? गैस, गैसेस होता है यहाँ पर। ये क्या होता है? गैसेस। एक क्या होता है? गैसेस। दूसरा जरा नंबर जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर C5H10, C6H12, C7H14। अगला नेक्स्ट 14 तक, नेक्स्ट 14 मेंबर, ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 14 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पर C8 हो जाएगा, C8H16 हो जाएगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर C9H18 हो जाएगा, C10H20 हो जाएगा, C11H22 हो जाएगा, C12H24 हो जाएगा, C13H26, C14H28, उसके बाद C15H30, C16, जल्दी देखो यहाँ पर H32, देख लो 17 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 हो गए यहाँ पर। देख लो पहले 3 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हो जाएगा 13, यहाँ पर 34 और 18। ठीक है, मींस आप चाहो तो 34 और 36, ये सब क्या होती हैं? लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड, ठीक है। और नेक्स्ट एंड हायर मेंबर होते हैं, एंड हायर मेंबर क्या होते हैं? मेंबर आर सॉलिड। क्या हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। इसके ऊपर वाले क्या होते हैं? मैं आपको सिंपल सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, आपको इतने इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एल्कीन के अंदर जो फर्स्ट थ्री मेंबर है, फर्स्ट थ्री मेंबर है वो क्या होता है? गैस। बस खत्म काम। दूसरा
है नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 14 मेंबर वो क्या हो जाता है, लिक्विड एंड हायर मेंबर आर क्या हो जाता है, सॉलिड, क्या हो जाता है, सॉलिड, क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, सबको बात समझ में आ गई, सबको बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, सबको बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से जल्दी देखिए ध्यान से यहां पर, ध्यान दीजिए सब लोग, समझ में आगे बात, ये आपको ध्यान रखना है। एल्कीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, एल्कीन का दूसरा नाम ओलिफिन भी होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, नहीं आप बोल रही हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है भाई, यहाँ पर एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिफिन, क्लियर है, ऑयल फॉर्मिंग गैस बोलते हैं, ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग गैस, ओली ओलिफिन, ओलिफिन्स, ओलिफिन्स बोलते हैं, या गैस, इसको ओलिफिन का मतलब गैस फॉर्मिंग, गैस फॉर्मिंग होता है। क्लियर है भाई सबको, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए आइए देखिए ध्यान से यहां पर, जल्दी से देखिए ध्यान से यहां पर, ये बात क्लियर हो गई इतनी, यहां पर ये नाम लिख गया भाई यहां पर। अब जरा जो डाइईन होती है ना, डाइई मतलब दो डबल बॉन्ड के साथ में, डाइईन तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है, डाइईन जो होती है तीन तरह की होती है, आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तीन तरह की होती है, एक का नाम होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट डाइईन, एक का नाम कॉन्जुगेट डाइईन होता है, एक का नाम होता है आइसोलेट, आइसोलेट डाइईन क्यूमुलेटिव डाइईन, क्यूमुलेटेड डाइईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड डाइईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड डाइईन, क्यूमुलेटेड डाइईन बोलते हैं यहां पर, क्यूमुलेटेड डाइईन बोलते हैं यहां पर, क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर क्या, जैसे मान लो ये है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये अल्टरनेट पोजिशन पर इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। आइसोलेट में क्या होता है, आइसोलेट में एक बार डबल बॉन्ड आ गया, फिर कई सिंगल बॉन्ड के बाद, कई सिंगल बॉन्ड के बाद क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं आइसोलेट। और तीसरा जो आता है, तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं, जरा देखो ध्यान से यहां पर, क्यूमुलेटेड डाइईन, क्यूमुलेट में क्या होता है, एक साथ डबल बॉन्ड आता है, एक साथ डबल बॉन्ड आता है, एक साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है, एक साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड, समझ में आ गई बात, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सी एच सी, ये क्या होता है, एक साथ डबल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है इसमें, सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा कौन होता है भाई, यहां पर सबसे ज्यादा होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट फिर होता है आइसोलेट, और फिर होता है क्यूमुलेट डाइईन, क्यूमुलेट डाइईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेट डाइईन बोलते हैं, क्लियर, समझ में आ गई बात, यह है डाइईन भैया, यह है डाइईन, क्लियर है, सबको बात क्लियर है भाई, सबको बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ ध्यान से यहां पर,
है सबको कि नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है चलो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आता है आइसोमेरिक इन एल्कीन। एल्कीन में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है? पहला आइसोमेरिज्म का नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म आ सकता है, देख लो। मान लो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर एल्कीन है तो देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पर बीच में कर दिया। यहाँ पर ये क्या है आपस में? पोजीशन आइसोमर। ये दोनों क्या है आपस में? पोजीशन। ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन, ये क्या है? ब्यूट इन, और ये क्या होता है? ब्यूट टू इन। क्या होता है? ब्यूट टू इन होता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है? चेन आइसोमर। क्या आता है? चेन क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? चेन आइसोमेर। देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये हो गया, दूसरा ये क्या है? CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। देख लो यहां पर कार्बन की चेन कितनी, देख लो जरा ध्यान से। यहां पर 1 2 3 4, यहाँ जो पेरेंट चेन, यहाँ पेरेंट चेन कितनी है? 1 2 3 है। दोनों पेरेंट चेन अंतर, दोनों के पेरेंट चेन में अंतर भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी देखो ध्यान से। यहाँ पर चेन का और एग्जाम्पल, चेन का एक और एग्जाम्पल बताओ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है कि नहीं? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये है। दूसरा जरा देखो ध्यान से, यहां पर CH3 CH पर CH3 है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड क्या है? ये CH2 है। तीसरा क्या है यहां पर? CH3 CH2 C, और यहां पर CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, सबके नंबरिंग, सबके नाम लिखो भाई, सबके नाम लिखो तब मजा आएगा। इसका नाम 1 2 3 4, क्या नाम लिखा जाएगा यहाँ पर? 2 पर मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 इन है। क्लियर है? ब्यूट 1 इन है। इधर क्या है? इधर क्या है? 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 1 इन। और चौथा एग्जाम्पल है, जल्दी देखिए यहां पर ध्यान से, चौथा एग्जाम्पल है पेंट 1 इन हो जाता है, पेंट वन इन हो जाता है। देखो तीनों में, तीनों के देखो यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है। यहां पर कितने हैं? देखो 1 2 3 4। अब इसमें से कौन कौन से चेन आइसोमर हैं, कौन कौन से चेन आइसोमर, कौन कौन से पोजीशन आइसोमर, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है, जल्दी बताइए। ये दोनों के बारे में बताओ, इन दोनों के बारे में बताओ भाई, क्या है? 3 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये तो भैया पोजीशन आइसोमर है, PI है पोजीशन आइसोमर। और ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? CI है। और ये दोनों आपस में क्या है? CI है। मार्क कर लो भाई यहाँ पर ध्यान से,
मार्क कर लो, मार्क से बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, इसको हटा दे रहा हूँ, देखो इसको नंबरिंग कर देता हूँ जिससे आपको इजी लगे, जिससे आपको क्या लगेगा, इजी लग जाएगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक है। जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। सेकेंड और थर्ड, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी बताइए, फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया चेन आइसोमर, क्या हो जाएगा चेन आइसोमर। सबको नोट कर लो भाई, सब लोग नोट कर लो, सबको आ गया क्या, सबको आ गया भाई, जल्दी से बताया, सब लोग बताइए ध्यान से, आया कि नहीं आया, सबको आया कि नहीं, जल्दी से बताया ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। अब आइए ध्यान से यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो हो गया भैया ज्योमेट्रिकल, अगला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं होता है, इसके अंदर होता है, होता तो है यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या होता है इसके अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जरा देखो ध्यान से, CH3 ये है, सी डबल बॉन्ड सी और ये है H, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है CH3 और ये क्या है H है, जल्दी बताइए ध्यान से, ये हो गया सी डबल बॉन्ड सी, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये है CH3 और ये है CH3, इधर क्या है H और इधर क्या है H, ये क्या है ट्रांस, एल्कीन, क्या बोलते हैं इसको ट्रांस एल्कीन, और इसको क्या बोलते हो सिस एल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिस एल्कीन, क्या बोलते हैं सिस एल्कीन बोलते हैं यहाँ पर सिस एल्कीन, ये है सिस एल्कीन, ये क्या है ट्रांस एल्कीन है भाई, यहाँ पर क्या है ट्रांस एल्कीन, क्लियर है, ये क्या है सिस एल्कीन, ये क्या है ट्रांस एल्कीन, क्लियर है, समझ में आगे बात की नहीं सबको, सबको बात क्लियर है, ज्योमेट्रिकल भी होता है। अच्छा आपने एक और नाम सुना होगा रिंग चेन, भी इसी के अंदर आता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कितने बच्चों को समझ में आया भाई रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका ये तो चेन हो गया, रिंग का फॉर्म बनेगा ये भाई, यहाँ पर रिंग का फॉर्मेट ये बनेगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है भाई, यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चले भाई समझ में आई बात सबको, अच्छा जी बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं भैया, हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एल्कीन की, पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का रिडक्शन कर दो, पार्शियल रिडक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है पार्शियल रिडक्शन करना पड़ता है, अगर कंप्लीट कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं कंट्रोल, यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं, इसको लिख दीजिए यहीं पर पार्शियल, पार्शियल पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, क्या लिखा जाएगा CnH2n, CnH2n -2, इस पर रिडक्शन कर दिया जाए, इस पर रिडक्शन कर दिया जाए, रिडक्शन रिडक्शन कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा यहां पर CnH2n, यही बन जाएगा यहां पर, पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको पार्शियल रिडक्शन। इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट है भाई पार्शियल रिडक्शन के लिए, पास ठीक है, पार्शियल रिडक्शन के लिए आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, एक तो नाम सुना होगा, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, आपने नाम सुना होगा
पीटी और सीएसईओ3, या बीएसओ4, बीएसओ4 प्लस क्विनोलीन, QUNI, क्विनोलीन। BSO4 किसके साथ में? क्विनोलीन। और जल्दी बताइए BSO4 किसके साथ में है? एक सेकेंड बेटा, यहां पर BSO4 साथ में है, BSO4 साथ में, जरा देखो ध्यान से, BSO4 स्लैश क्या होगा यहां पर? Pb+2, PbOAc का फुल ट्वाइस। ये भी कहलाता है लिंडर कैटलिस्ट, LC बोलते हैं, लिंडर कैटलिस्ट। और ये भी कहलाता है लिंडर कैटलिस्ट, ये भी क्या कहलाता है? लिंडर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिंडर कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी से देखो ध्यान से, यहां पर RC(CR) आपने H2 डाला और लिंडर कैटलिस्ट डाल दिया, लिंडर कैटलिस्ट डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? सिस एल्कीन बन जाएगा। इससे क्या बनता है? सिस एल्कीन। क्या बनता है इससे? सिस एल्कीन बन जाता है। यहां पर क्या बन जाता है इससे? सिस एल्कीन। समझ में आ गई बात कि नहीं? यहां पर सिस एल्कीन बन जाता है। क्या बोलेंगे? सिस एल्कीन। ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पर? सिस एल्कीन बोलते हैं यहां पर, सिस एल्कीन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, जल्दी से लिखिए। अगर मैं, जरा देखो ध्यान से यहां पर, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, जरा देखो एक और है। अगर मैं किसी एल्काइन को सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ में कराते हैं, वहां पर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, तो ये देता है ट्रांस एल्कीन। क्या देता है? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, सबको समझ में आ गई बात कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, सबको बात समझ में आ गई? यहां पर एल्काइन सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या बन जाएगा? ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रांस एल्कीन। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो दोनों में काम करे, दोनों एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो यहां पर ले लिया हमने पीएच, पीएच यहां पर, पीएच, जरा देखो ध्यान से यहां पर, जरा देखिए ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर। H2PdBSO4 लिंडर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, H2PdBSO4 ये क्या कहलाता है? लिंडर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, लिंडर बोलते हैं। और इधर क्या है? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। समझिए बात को, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर। ये तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीएच C(O)। और यहां हो जाएगा पीएच, क्लियर। इधर क्या हो जाएगा? एच, सॉरी, इधर हो जाएगा पीएच, सिस बनेगा ना पहले वाले में, गड़बड़ कर दिया मैंने। एक सेकंड बेटा, यहां पर एक सेकंड जरा देखिए ध्यान से, यहां पर एक सेकंड जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ये क्या है? पीएच C(C), इधर क्या है? ये पीएच है, इधर क्या है? ये पीएच है, इधर क्या है? ये एच, और यहां पर क्या है? एच है। इसका नाम क्या है? सिस एल्कीन। क्या है ये? सिस एल्कीन। और यहां पर क्या है, जरा देखिए ध्यान से, यहां पर सिस, यहां पर क्या है? ये पीएच, ये ट्रांस बन जाएगा यहां पर, ये ट्रांस, ये क्या हो जाएगा? ट्रांस बन जाएगा यहां पर, ट्रांस, ये क्या बन जाएगा? ट्रांस एल्कीन, सिस और ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। सभी बच्चे को समझ में आया भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबको आ गया समझ में कि नहीं आया? सबको बात समझ में आई ये बात कि नहीं है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल दूं एक और एग्जाम्पल दूं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। CH3CH3CH3, ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो जरा ध्यान से,
यहाँ पर जल्दी देखिए, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, सोडियम है लिक्विड अमोनिया, सोडियम है लिक्विड अमोनिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, पीडी बीएसओ4, पीडी बीएसओ4, H2PD, H2 भी रहता है, H2PDBSO4, ये लिंडर कैटलिस्ट कहलाता है, लिंडर कैटलिस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या मिलता है, ट्रांस, क्या मिलता है यहां पर, ट्रांस मिलता है, ये क्या होता है, ट्रांस, ट्रांस एल्कीन। और इधर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर सिस, इधर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये सी डबल बॉन्ड सी, ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा H, इसे क्या बोलते हैं, सिस एल्कीन, क्या बोलेंगे इसको, सिस एल्कीन, इसे क्या बोलेंगे, सिस एल्कीन बोल दें, क्या बोलते हैं, सिस एल्कीन बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं, समझ में आ गई बात कि, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर सिस एल्कीन और ट्रांस हो गया भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर अगला आता है, जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड से जरा देखो, यहाँ पर एल्काइल हेलाइड को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, डिहाइड्रो, मैं कलर चेंज करता हूँ भाई, यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, जल्दी देख के ध्यान से, इसको बोलते हो डी हाइड्रो हेलो जिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सब लोग ध्यान से देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चले भाई, लाइक और शेयर करते चले भाई, लाइक और शेयर करते चलिए भाई, यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, क्लियर, समझ गए बात को, समझ गए बात को कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर समझ गए बात को कि नहीं, जल्दी से बताइए ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है, इस पर है H, यहाँ पर क्या है H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा X, इधर क्या है ये H, ठीक है, और इस पर क्या कर दिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपने क्या किया, बेस की प्रेजेंस में बेस आपने डाला, इसको एच को ये वाला पाई में कन्वर्ट हुआ, ये एक्स क्या हो गया, निकल के बाहर चला गया, वही एलिमिनेशन रिएक्शन है, ई टू रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया है, क्या बन जाएगा, एल्कीन, क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होता है, एक तो होता है एल्कोहलिक के ओ एच, याद करो एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच होता है एक नंबर, दो नंबर क्या होता है, एल्कोहलिक के ओ एच सोडामाइड, क्या लिखा रहता है, सोडामाइड, याद करो मैंने पढ़ाया था एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में कराया जाता है, इनकी प्रेजेंस में कराया जाता है मेजर प्रोडक्ट। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगला देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मान लो कि ये लिखा हुआ है CH3 CH2,
CH2 और Cl, यहां से HCl निकल गया भाई, यहां से HCl निकल गया। क्या लिखा है ये? एल्कोहलिक KOH, और हीटिंग भी लिखा रहता है, E2 रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या बन जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक बात तो ये हो गई भाई यहां पर। दूसरी बात जरा देखो ध्यान से यहां पर, अगर मान लो ये भाई यहां पर ये है, इसमें Br लगा हुआ है, यहां पर हमने क्या ले लिया है? एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KO, जल्दी देखिए ध्यान से यहां पर, डबल बॉन्ड प्लस, क्या यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर ये है, ये माइनर प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा? माइनर, ये मेजर बनेगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या होता है? मोर अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा? लेस अल्फा हाइड्रोजन, तो माइनर बन जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनर। ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर, ये माइनर, क्लियर। तीसरा है जरा देखो ध्यान से, यहां पर CH3 है, Cl CH3, इस पर आपने क्या कर दिया? C2H5OH है, इसके साथ हीटिंग कर दो, क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। समझ में आगे बात के नहीं? समझ के बात को, बस समझ में आगे बात के नहीं? सबको सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो यहां पर, जल्दी से बोलो भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर आयोडीन है। चाहो तो यहां से निकाल दो, देखो एच से यहाँ एच आई निकाल दो, क्या लिख दिया? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, बेंजीन रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड, इसको मिथाइल लग जाएगा। दूसरा क्या है? जाओ तो यहां से एच निकाल दो, इस वाले CH3 से एच भी निकल सकता है भाई, इस वाले CH3 से भी एच निकल सकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बेंजीन के बाहर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और इधर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? मेजर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर, ठीक है। मेजर और माइनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेजर और माइनर। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं है? पहले बता दो मेरे को, मेरे को जल्दी बता दो यहाँ पर, सबको समझ में आया कि नहीं है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ ध्यान से। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखो, आपके जेई में पूछा गया भाई, पांचवा क्वेश्चन आपके जेई में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अगर मान लो ये कर लेते हो, ये कर लेते हो, और यहां पर एक मिथाइल, इस पर बी आर, इस पर मिथाइल है, इस पर करते हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या आता है? जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर ये आता है, इस पर एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा बीच से, बीच वाले से, यहां से, यहां से एच निकल जाएगा, यहां से एच निकलेगा, एक वाला देखो यहां से एच एच बी आर, यहाँ पर पाई बना जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा होंगे वही मेजर प्रोडक्ट होगा। और तीसरा वाला देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, तीसरा वाला यहां से एच निकल जाए, यहां से एच निकल जाए, ठीक है। तीसरा वाला है ऊपर से एच निकल जाए, यहां पर एच निकल जाए, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा मेजर ये है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर ये है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा ज्यादा होंगे। काउंट कर लीजिए कितने अल्फा है, कितने अल्फा है, देखो 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर कितने हो जाएंगे देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हैं? यहां पर देखो दो यहां है, तीन यहां, 5 3 2 5 1 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बस ये आइसोमर हो गए आपस में तीनों, क्लियर। समझ गए बात को? तो ये इसके क्वेश्चन हो जाएंगे भाई यहां पर। अब आप डाई हैलाइड भी निकाल सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो? डाई हैलाइड भी कर सकते हो, आप निकाल सकते हो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी बोलते हैं हेलोजेनेशन उसको बोलते हैं, डी सिंपल क्या है? हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल
डाई हेलाइड। डिहाइलोजिनेशन ऑफ विस्नेल डाइहेलाइड। आप दो दो हेलोजन को निकाल सकते हो जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में, जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में। जरा देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको, जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में। यहां पर ये है, यहां पर ये है, क्लियर है। यहां पर क्या है, एक्स है। यहां पर क्या है, यहां पर ये देखिए एक्स है, क्लियर है। जल्दी देखिए ध्यान से, यहां पर जल्दी से देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर सी डबल बॉन्ड सी और ये हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जेड एन और एक्स टू है, क्लियर है। समझ में आगे बात। दूसरा क्या है भाई, यहां पर सी एच टू है और सी एच टू है, सी एच टू सी एच टू, इस पर क्या है बी आर है, इस पर क्या है बी आर है, क्लियर। जिंक और कॉपर, जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, प्लस क्या हो जाएगा जेड एन एक्स टू बन जाएगा, क्या हो जाएगा जेड एन एक्स टू बन जाएगा। समझ में आगे बात की नहीं, सबको बात क्लियर है कि जल्दी जल्दी बताओ ध्यान से, यहां पर जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, क्लियर है। यहां पर जेड एन को निकाल दो भाई, यहां पर जेड एन को निकाल दो, सबको जल्दी देखो ध्यान से, यहां पर जल्दी जल्दी देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर सी एच थ्री सी एच पर सी एल है और सी एच टू पर सी एल है, इसको निकाल दो, इसको निकालोगे यहां पर जेड एन को, जेड एन और कॉपर के प्रेजेंस में ट्रीट कर दो, क्या आंसर आएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सी एच टू हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं, ये डी हाइलोजन से मतलब दोनों हाइलोजन का निकलना, दोनों निकल जाएंगे भाई, दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। अब जिंक की प्रेजेंस में, ठीक है, जेमिनल भी कर सकते हो, जेमिनल भी कर सकते हो, सिंपल जिंक ले लो, सिंपल जिंक से ट्रीट करो, तब भी निकल जाएगा आपको। नेक्स्ट आई आता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने आपको कहा था कि कोलबे तीनों में काम करता है, कल वाली क्लास में एलके ने भी पढ़ाया था आपको कोलबे। यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ देखो सक्सिनिक एसिड को वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाता है। तो क्या देखो, यहां पर ये CO2 निकल जाएगी, ये CO2 निकल जाएगी, ये CO2 और ये CO2 निकल जाएगी, क्या बनेगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा CH2, प्लस क्या बन जाएगा यहां पर 2CO2 बन जाएगा, अब प्लस क्या बन जाएगा 2Na बच जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 2Na बच जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2Na बच जाएगा भाई, क्लियर है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बताइए। सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, क्लियर है। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक है, समझ में आगे बात की नहीं। CH2 यहां पर ये है, यहां पर C डबल बॉन्ड O O माइनस, यहां पर जरा देखो ध्यान से यहां पर क्या होगा, यहां पर जरा देखो ध्यान से, यहां पर जरा देखिए ध्यान से, यहां पर पहले तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा
यही निकालो, इधर से निकालो भाई, इधर निकाल दो पहले, पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालो भाई, पहले तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जरा देखो ध्यान से क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर आएगा CH2 C double bond O पर फ्री रेडिकल, इधर क्या हो जाएगा CH2 C double bond O पर फ्री रेडिकल, O पर क्या है फ्री रेडिकल, ये इधर टूटेगा, 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 जरा देखो ध्यान से यहां पर, यहां पर ध्यान ध्यान से देखो भाई, यहां पर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा C2CO2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हो जाएगा सोडियम बचेगा, यहां पर क्या आएगा सोडियम आ जाएगा, क्लियर है भाई सबको। यहां पर एनोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है भाई यहां पर, ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं। चलो मैं एग्जांपल देता हूं भाई, अब जल्दी जल्दी करके बताओ भाई, डायरेक्ट बताओ सब लोग, आप जल्दी से करके बताओ भाई, यहाँ पर आंसर बताओ जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर CO O माइनस और K प्लस, इसको कर दिया हीटिंग, ठीक है। दूसरा दे रहा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर CO O माइनस, यहां पर Na+, यहां पर ये हो जाएगा, और तीसरा, ठीक है, ठीक है, चले आगे जल्दी बताइए ध्यान से। यहां पर क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए ध्यान से। यहां पर CH डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH3, ठीक, इधर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से। यहां पर इधर क्या हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5 मेंबर रिंग, और यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये क्या होता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं इसको कोलबे रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको कोलबे रिएक्शन। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दे भाई, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। यहाँ पर फ्रॉम ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड से नहीं बनेगा, ग्रिगनार्ड का तो यहाँ पर रह गया था, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ठीक है। अब आता है अगला, अगला आता है जल्दी बताइए किससे बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रिगनार्ड का भी कर सकते हैं लेकिन अब उसे नहीं करेंगे, उसको हमें इतना डिफिकल्ट पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, सवाल आता नहीं एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। अगला आता है, अगला जो आता है उसका नाम है, सेकंड लास्ट है, उसका नाम है बाई डी हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल से डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल निकलना, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाई यहां पर, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाई यहां पर, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाई यहां पर, रिमूवल रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ क्या बोलते हैं वाटर, पानी का निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर, क्या होता है यहां पर एल्कोहल होती है, एल्कोहल में जब कभी भी कंसंट्रेट, एल्कोहल में जब कभी भी कंसंट्रेट एसिड डाल दिया जाता है, एल्कोहल में कंसंट्रेट एसिड डाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है एल्कीन बनता है, एल्कीन,
और प्लस क्या बन जाता है, वाटर। यहाँ पर वाटर, समझ में आ गई बात की नहीं यहाँ पर। और जो एसिड डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी निकालने वाले को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं भाई, यहाँ पर डी हाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है भैया कंसंट्रेट H2SO4, दूसरा कंसंट्रेट H3PO4, तीसरा होता है Al2O3, चौथा होता है ZnCl2। समझ में आ गई बात की नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर इन सब, ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं यहाँ पर। ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर, ये क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। ये क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्लियर, आइए देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या होता है भाई। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर इसके बाद जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आता है इसके बाद। मेरे दोस्तों क्या होता है जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर जैसे मान लो ना, ये CH3, CH2 और OH, राइट। आपने क्या एसिडिक मीडियम में डाला है H+, एसिड से ये क्या कर लेगा, H+ लेगा। इसे इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं। पहला यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा यहां पर CH3, CH2, OH, H और यहां पर H। अब इसके बाद जरा देखो ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको यहां पर ये निकाल दिया। जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा, CH3, CH2+। यहां पर इस पर चेक किया जाएगा मोर स्टेबल, क्या चेक किया जाएगा, मोर स्टेबल कार्बो कैटायन, मोर स्टेबल कार्बो कैटायन। क्या बोलेंगे इसको, मोर स्टेबल कार्बो कैटायन। क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, ठीक है। अब आइए मेरे दोस्त, अब आइए जरा देखो दोस्त यहां पर अब क्या होता है, जो H+ बाकी होगा यहां पर CH2 और H मान लो, और यहां पर CH2+ है। जो H2SO4 में से H+ निकला था, बाकी बेस बाकी था, बेस ने फिर क्या किया, H+ ले लिया। इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। यहां से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा। ये क्या बन गया है, एल्कीन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन बोलते हैं, जितना स्टेबल कार्बो कैटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बो कैटायन होगा उतना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इतना रेट यहां पर क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, फास्ट हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, समझ में आ गई बात की नहीं। जितना ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली किसके हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है, कार्बो कैटायन के। आइए मैं आपसे पूछूं कि सबसे फास्ट एल्कीन कौन बनाएगा, सबसे फास्ट एल्कीन कौन बनाएगा, सबसे फास्ट एल्कीन कौन बनाएगा।
फास्ट एल्कीन कौन बनाएगा? फास्ट एल्कीन फॉर्मेशन, फास्ट एल्कीन फॉर्मेशन बोलते हैं, फास्ट एल्कीन फॉर्मेशन। सबसे पहले कौन बनाएगा? 3 डिग्री बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। फिर 2 डिग्री, फिर क्या बनाएगा? 1 डिग्री। क्या बनाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अल्कोहल बनाएगा सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? जल्दी बताओ ध्यान से, यहाँ पर सबको बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, सब लोग वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते चले भाई, वीडियो को लाइक और शेयर, वीडियो को लाइक और शेयर करें करते चलिए भाई। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है? OH, यहाँ पर क्या लिया जाए? जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर कंसंट्रेट H3PO4 हीटिंग किया, क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर ये है एल्कीन पहला। दूसरा जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, जल्दी से बताइए ध्यान से। यहां पर कंसंट्रेट H3PO4 क्या आएगा? जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई, यहां पर ये आएगा मेजर, और माइनर क्या आएगा? कि ना यहां से निकल जाएगा, तो माइनर वाले में ये हो जाएगा, यहां पर ये है डबल बॉन्ड, यहां पर तो ये क्या हो जाएगा? मेजर, ये क्या हो जाएगा? माइनर, ये क्या हो जाएगा? मेजर, ये क्या हो जाएगा? माइनर। ठीक है, जल्दी देखो ध्यान से, यहां पर तीसरा, तीसरा जरा देखो ध्यान से, यहां पर जरा देखो ध्यान से, यहां पर OH, जल्दी देखिए ध्यान से, यहां पर कंसंट्रेट H3PO4 हीटिंग कर दिया, क्या बनेगा? यहां पर ये है भाई, यहां पर ये, और दूसरा क्या होता है? जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर ये और ये, यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये क्या होगा? मेजर, और ये क्या होगा? माइनर। एक क्या होगा? मेजर, एक क्या होगा? माइनर, एक मेजर और एक क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा भाई। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर, जल्दी बताइए, बड़ा कम से कम 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए बड़ा, 100 होना चाहिए, 100। हाँ, डाउट पूछो बड़ा, डाउट पूछो, 100 कम से कम होना चाहिए, 100 मिनिमम, 100 चाहिए कम से कम, मिनिमम 100, 100 लाइक कम से कम, कम से कम 100 लाइक्स। क्लियर है? पूरा डिटेल में करा रहा हूँ भाई, यहाँ पर डिटेल में, डिटेल में, डिटेल में करवा रहा हूँ, पूरा डिटेल में। बोलो डाउट क्या है बेटा, डाउट पूछो। हाँ आगे, चलो आगे, बस क्लास ओवर कर रहा हूँ भाई, क्लास ओवर कर रहा हूँ, जल्दी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू, 500 लाइक हो जाएंगे, थैंक यू, 500 लाइक हो जाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाला बेटा, यहाँ पर ये वाला, यहां से क्या किया? यहाँ पर सिंपल से, यहाँ पर यहाँ से क्या निकाल दिया? H2O निकाल दिया, यहां से H2O निकाल दिया, यहाँ पर एल्कीन बन गया, खत्म काम। बोलो अनु, क्या डाउट है भाई? ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर जल्दी से देखो ध्यान से, यहां पर कोई डाउट तो नहीं है? आप कोई डाउट तो नहीं है? आप कोई डाउट तो नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहां पर
ठीक है अनु शर्मा, ठीक है अनु शर्मा, ठीक है अनु शर्मा, बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं अनु शर्मा? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से देखो ध्यान से यहाँ पर, एलुमिना पास कर दो भाई, एलुमिना, हालांकि एल्कोहल में कराएंगे, ठीक है ठीक है। देखो जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहां पर क्या आ जाएगा, Al2O3 और हीटिंग पहला। दूसरा क्या आएगा भाई यहां पर, ये Al2O3 और हीटिंग कर दिया जाए, और यहां पर जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, CH3, ये CH3, और यहां पर जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या है CH3, ठीक है। इधर क्या है भाई, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर तीनों क्वेश्चन करिए, जल्दी से बताओ तीनों चारों क्वेश्चन को, तीनों चारों क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तीनों क्वेश्चनों को जवाब दीजिए, तीनों क्वेश्चनों को जवाब दीजिए भाई फटाफट, सब लोग जवाब दीजिए, मजा आ जाएगा ठीक है। जल्दी से देखो ध्यान से, यहां पर तीनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिए भाई, यहां पर तीनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिए ठीक है। पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरे वाले का देखो, यहां से पहले H2O निकलेगा, फिर क्या बोलते हैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। देखो पहले दूसरे वाले में यहां पर जरा देखो, CH3 CH3 और CH3 है, और इस पर क्या है CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस, ये मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई, मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई, क्लियर है। इसके ऊपर क्या होगा प्लस, इधर क्या है CH, इधर क्या है CH3 और CH3। अब इसके बाद जरा देखो ध्यान से, इसके बाद जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी देखो यहां पर क्या आंसर आएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, और इधर क्या है CH3 और यहां पर CH3, ठीक है समझ में आ गई बात। इधर वाले में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर जल्दी से बताइए ध्यान से, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर इधर है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसको मिथाइल को शिफ्टिंग कर दिया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये है मिथाइल, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी बताओ ध्यान से, यहाँ पर यहां से डबल बॉन्ड चला जाएगा तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गई बात। किसी कोई डाउट बेटा पूछ लो, कुछ भी डाउट हो कहीं पर पूछ लो, मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझा दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आपको समझाया है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एलिमिनेशन कराऊंगा तो आपको और डिटेल में कराऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन तो मैं आपको और डिटेल में कराऊंगा ठीक है। अभी आपको
रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो अलग से आपको पढ़ाऊंगा, वो अलग से आपको कराऊंगा भाई, यहाँ पर वो अलग से आपको कराऊंगा, वो अलग से कराऊंगा भाई। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ गया भाई? सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी के? चलिए तो फिर मिलेंगे 5 से 6, 5 से 6 मिलेंगे ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे भैया। आज पढ़ाएंगे नेम रिएक्शन। क्या पढ़ाएंगे? नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे, नेम रिएक्शन। कितने बच्चे आएंगे भाई अनअकैडमी ऐप पर? अनअकैडमी ऐप पर कितने बच्चे आएंगे भाई? अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर कितने बच्चे आएंगे भाई यहाँ पर? ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर 5 से 6, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर कितने बच्चे आएंगे भाई? 5 से 6 में, 5 से 6 में यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, 5 से 6 आइए सब लोग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए आप, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए जल्दी से जल्दी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्लस लेने के लिए सक्सेस गारंटी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, सक्सेस गारंटी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए वीरू कोड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करिए। और सब लोग वीडियो को प्राइवेट ना होने दें, लाइक और शेयर कर दें, लाइक और शेयर, क्या बोलते हैं, लाइक और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फिर मिलते हैं 5 से 6 में, 5 से 6 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 5 से 6 में मिल जाएंगे भाई, 5 to 6 मिलेंगे। क्लियर है सबको? समझ में आ गई बात कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर सभी को बात क्लियर है भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।